उन्होंने निशाना साधते हुए कई बातें की। झूठ का सहारा लिया जा रहा है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। भोला चेहरा बनाकर मूर्ख बनाते हैं लोग, झूठ बोलकर टीवी पर आने की ललक रहती है। टीवी पर आने से सरकार नहीं चलता, सरकार चलाना एक गंभीर जिम्मेदारी है। रोज सुबह नया झूठ बोला जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और उसके आधार पर आप आशीर्वाद दीजिए, इस बार आधा अधूरा मत करना। साफ तौर पर कहा, कांग्रेस आप में झूठ बोलने की होड़ मची हुई है, स्पर्धा है दोनों ही पार्टियों में, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये पार्टी। तो प्रधानमंत्री ने मंच पर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही ललकारा। अनऑथराइज कॉलोनीज को लेकर बार बार उन्होंने कहा कि इससे पहले जब भी यहाँ पर दिल्ली में चुनाव होते थे, हर राजनेता से अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में सुनता था, लेकिन उनके वादे भी अनऑथराइज्ड ही होते थे। लेकिन हमने निर्णय लिया है जहाँ सभी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, ना सिर्फ उन्हें ऑथराइज किया जाएगा बल्कि उन्हें तमाम सुविधा दी जाएगी जो और कॉलोनीज में, नियमित कॉलोनीज में लोगों को मिलती है। और साथ ही उन्होंने कहा 2022 तक का अपना वादा फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर पक्का मकान हम देंगे। और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, बोलने पे सिर्फ विश्वास नहीं रखता हूं, मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं, मैं काम समय सीमा के अंदर करता हूं। उन्होंने 2022 का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना से जिस तरह से लोगों को, गरीबों को, गरीब तबके को खास करके जो लाभ पहुंचा है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि आज तक गरीब जो वर्ग रहा है हमारे देश में, उसे दूर रहा है, विकास से दूर रहा है, उसे जोड़ने का बीड़ा उठाया हमने। और उसके बाद किस तरह से उन्हें फायदा पहुंचा है, 1 लाख का बीमा रकम जो कि अकस्मात बीमा राशि है वो गरीबों को, वो भी बिना 1 रुपये भी खाते में डाले। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे देश के गरीब इतने अमीर हैं कि ऐसा कोई भी गरीब नहीं था जिसने बैंक में अपना खाता खुलवाया हो और बिना 1 रुपया डाले, किसी ने 100, किसी ने 200 इस तरह से पैसे डाले और सबने अपना खाता खुलवाया है। बीजेपी की सरकार बार बार चुनी जा रही है, उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह की बात की उन्होंने कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था एक समय में, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह की सरकार बनी, 10 साल के अंदर किस तरह से बीमारू राज्य से बाहर निकालकर उसे एक बेहतर राज्य बनाया शिवराज सिंह चौहान ने, इसका जिक्र किया। लोगों ने और 5 साल का आशीर्वाद दिया और साथ ही छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, राज्य रहा है, उसे डॉक्टर रमन सिंह ने किस तरह से आगे बढ़ाया और वहां पे नक्सलवाद को किस तरह से उसका खात्मा एक तरह से कर दिया, उसका जिक्र उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव जब मैं लड़ रहा था तब भी मेरा एजेंडा, मेरा मुद्दा विकास रहा था, आज सरकार चला रहा हूं, आज भी मेरा मुद्दा विकास ही है।